यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका की भी बड़ी तैयारी है। अमेरिका हर कदम फूंक फूंक कर रखता है और तैयारी भी बड़ी करता है। तो रूस की सैन्य खरीद नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, खबर ये है। यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन का बड़ा बयान सामने आया है। 14 रूसी नागरिकों, 28 संस्थाओं पर बैन लगेगा। अब युद्ध के इस हालात के बीच में रशिया पर लगाए जा रहे सैंक्शंस और इस बीच रशिया के खिलाफ उठाए जा रहे ये कदम किस बात का और संकेत देते हैं, और इसीलिए आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ युद्ध के इस हालात के बीच में G20 को लेकर भी खासकर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के बीच यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर भी चर्चा होनी है और साथ ही फूड एनर्जी क्राइसिस जो खासकर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद के हालात बने हुए हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। लेकिन इस बीच आपको हम यहाँ पर अब बताने वाले हैं कि किस तरीके से अमेरिका की ये 360 डिग्री तैयारी नजर आ रही है जो क्या वाकई अब रूस पर पड़ सकती है भारी। पहला पॉइंट आपके सामने, अमेरिका 14 रूसी नागरिकों और 28 संस्थाओं पर बैन लगाने की अब कर रहा है तैयारी। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका की इस लिस्ट में रूस को वित्तीय सुविधा देने वाले संस्थान शामिल बताए जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात, जहां यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही इसकी अब लिस्ट भी सार्वजनिक कर देगा। चौथी बड़ी बात, येलेन की तरफ से कहा गया कि ये रूस के युद्ध प्रयासों को बाधित करने के लिए बहुत जरूरी है। टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन फैसलों को लेकर, और अमेरिका पहले भी कई रूसी लोगों और संस्थाओं पर बैन की बात कर चुका है, लेकिन अब इसको लेकर बाकायदा अगर लिस्ट तैयार हो जाती है तो आज के इस हालात में क्या ये बड़ी कोशिश है रूस को अलग थलग करने की? राजन कोचर सर, अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी किस और संकेत दे रही है, क्योंकि रशिया तो सिर्फ ये कहता है कि उन तमाम सैंक्शंस के बावजूद वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने बल पर डोमिनेट करके ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस तरीके के सैंक्शंस लोगों को लेकर, संस्थाओं को लेकर क्या संकेत देते हैं? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक लार्जर मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड को। और अगर हम ये सैंक्शंस का इम्पैक्ट देखें तो शॉर्ट टर्म में सैंक्शंस का इम्पैक्ट हमको नज़र नहीं आता है, पर ये लॉन्ग टर्म में अगर जाएगा, अगर आप रशियन इक्विपमेंट भी देखें, कोई भी देश 100% आत्मनिर्भर नहीं होता है, और स्पेशली जो उनका मिज़ाइल प्रोग्राम है उसमें काफ़ी अमेरिकन पार्ट्स लगते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं जो अमेरिका से आते हैं, तो ये रशिया की वॉर प्रिपेयर्डनेस को इम्पैक्ट करेगा। और इसीलिए साथ साथ पब्लिक ओपिनियन ये कोशिश कर रहे हैं बाइडेन के रशिया के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन को जनरेट किया जाए, बिकॉज और कोई ऐसा ठीक है तरीका नहीं आ रहा है इनके सामने इसको रोकने के लिए।